आज हम क्रिएट कर रहे हैं सिस्टैक ट्रैवल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये देखते हैं इसके अंदर, ये दिखा रहा है इसके अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट की डिटेल है इसके अंदर, सारे अकाउंट कोड क्रिएट किए हुए हैं इसके अंदर, नेम एडमिन अदर एक्सपेंसेस, पेरेंट नेम क्या है इस अकाउंट का, वो सब दिया हुआ है इसके अंदर। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारे अकाउंट कोड क्रिएट किए हुए हैं इसके अंदर। इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्ट तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो बाय डिफॉल्ट है हम उसी को लेकर चल रहे हैं। तो इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने का लिखा चार अकाउंट कॉन्फ़िगर्ड हो गए हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर ऐड योर क्लाइंट है, लेट्स कंप्लीट द सेटअप बाय ऐडिंग द क्लाइंट्स। इससे हम ऐड क्लाइंट करके मैन्युअली भी कर सकते हैं, और अगर हम हमारे पास कोई क्लाइंट्स की एक्सेल फाइल है जिसके अंदर पूरा डाटाबेस मैनेजमेंट बना रखा है हमने क्लाइंट्स का, तो इंपोर्ट फ्रॉम फाइल भी कर सकते हैं। उसके अंदर फाइल चूज करेंगे हमारे सिस्टम में जहाँ भी फाइल होगी उसकी कॉन्टैक्ट नंबर की। तो जैसे लिखा है इम्पोर्ट डाटा विद डिटेल्स ऑफ GST ट्रीटमेंट बाय रेफरिंग दीज एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स। यू कैन डाउनलोड द सैम्पल एक्सेल फाइल टू डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा फील्ड्स यूज वाइल इम्पोर्टिंग। इफ़ यू हैव फाइल्स इन अदर फॉर्मेट्स यू कैन कन्वर्ट टू एन एक्सेप्टेड फाइल फॉर्मेट। एक्सेप्टेड फाइल फॉर्मेट मतलब जो सिस्टैक ने एक अकाउंटिंग फॉर्मेट के लिए एक्सेल का दिया हुआ है उस फॉर्मेट के अंदर, उसे कन्वर्ट करके हम इसके अंदर डाटा क्लाइंट डाटा फीड कर सकते हैं। तो इसमें लिखा यूजिंग एनी ऑनलाइन ऑफलाइन कन्वर्टर यू कैन कन्फिगर योर इम्पोर्ट सेटिंग एंड सेव दैम टू फॉर फ्यूचर टू। हम उसे फ्यूचर के लिए भी हम उसे सेटिंग को सेव कर सकते हैं। तो इसमें लिखा डाउनलोड है सैम्पल CSV फाइल और सैम्पल एक्सेल फाइल्स। तो जो भी हमारी CSV फाइल्स हैं या एक्सेल फाइल्स हैं, एंड कंपेयर टू इट टू योर इम्पोर्ट फाइल टू एंश्योर यू हैव द फाइल परफेक्ट फॉर द इम्पोर्ट। तो ये हमें पहले इंश्योर करना पड़ेगा इस फॉर्मेट के अंदर है। तो इसके अंदर हम CSV फाइल भी का फॉर्मेट भी कर सकते हैं और एक्सेल फाइल का भी कर सकते हैं। अभी सच एज मेरे पास कोई एक्सेल फाइल का फॉर्मेट मैंने बना नहीं रखा है, तो जब मैं इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर हम डाल देंगे। इसमें प्रीव्यू भी दिखाएगा, लेकिन अभी हमारे पास फाइल नहीं है इसलिए एरर दिखा दिया इसने इसके अंदर। तो जब हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे फिर आगे देखेंगे। अभी बैक करते हैं, बैक करने के हम मैन्युअली क्लाइंट भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अगर देखते हैं इसमें सन्ड्री डाटास आ गया है इसके अंदर, और भी कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, किस हेड के अंदर जाना है, कौन सा अकाउंट टाइप है, उसके अंदर सेलेक्ट करके हम क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैंने क्लाइंट खोला सन्ड्री डाटास के अंदर खोला, उसके अकाउंट का नाम मैंने डाल दिया XYZ Limited। ये डमी है अभी, कॉन्टैक्ट पर्सन मिस्टर ABC हो गया इसके अंदर, एड्रेस इसका हो गया गली नंबर रोड नंबर 40, कंट्री होगी इसकी इंडिया, किसी भी इसमें मल्टीपल चॉइस दे रखा है कंट्री का। स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट भी हमारी दिल्ली आ जाएगी इसके अंदर, और सेलेक्ट सिटी, सिटी के अंदर भी हमारी न्यू दिल्ली कर दिया हमने। GST नंबर, अगर इस क्लाइंट का GST नंबर है तो आप डाल सकते हैं। सपोज मैं डाल देता हूँ इसके अंदर 07ACJPR4956Q। एक डमी GST नंबर डाल दिया मैंने, ये दे रहा है कितने ACJPR4911 कोड तो हो गए 07। हाँ 1ZO भी तो आएगा इसके अंदर, 1ZO। सो ये मैंने GST नंबर डाल दिया इसके अंदर, और इसकी एक्सपायरी डेट कोई भी डाल दीजिए इसके अंदर। मैं डाल देता हूँ 2025 डाल देता हूँ इसके अंदर, अक्टूबर के अंदर 17 अक्टूबर ही डाल दिए जा रहे हैं, ठीक है। टेलीफोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मोबाइल नंबर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ईमेल एड्रेस कोई भी डाल सकते हैं इसके अंदर, जैसे मेरे हो गया, डाल दिया मैंने XYZ@gmail.com। ईमेल एड्रेस दूसरा भी डाल सकते हैं, पैन नंबर अगर कोई है तो ये लिखते हैं ACJPR4956Q।
अगर ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो इसमें डाल देता हूँ मैं, 1,00,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस डाल दिया इसके अंदर, सेलेक्ट दे दिया डेबिट है कि क्रेडिट है। ओबीएस अगर संडे डाटा से हमें लेना है तो हम इसे डेबिट बैलेंस में डाल देंगे और रिमार्क्स में डाल देंगे कि ये हमारा कौन सा, कोई भी अगर आपको रिमार्क डालना है मेमोरी के लिए कोई भी हमें डालना है इसके अंदर। चलो सपोज हम डाल देते रिमार्क्स के अंदर कि हमारा ये कॉर्पोरेट क्लाइंट है, वैसे ही लिख दिया मैंने कॉर्पोरेट है, और इसके अंदर सेव कर दिया। तो ये हमारा देखो ये कोड दे देगा इसके अंदर, सक्सेसफुली क्लाइंट हो गया। इसके अंदर अकाउंट कोड आ गया इसका CL0001, ये ऑलरेडी क्लाइंट के लिए CL प्रीफिक्स लेता है इसके अंदर। इसका नेम XYZ लिमिटेड आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आ गया, एड्रेस आ गया इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर और भी अगर और ऐड करना है तो हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो और ऐड हो जाएंगे, और इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट का ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा इसके अंदर। अगर कोई अकाउंट क्रिएट किया तो यहाँ पर अगर सर्च मारेंगे तो आ जाएंगे, जैसे अगर मैं XYZ मारूँ और सर्च कर रहे हैं इसके अंदर तो अभी तक एक ही डाटा था सर्च के अंदर यही आएगा, अदरवाइज और भी कोई होता था इसके अंदर ऑप्शन आते हैं। जैसे अगर मैं, तो इस तरीके से क्या होगा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। अगर यहाँ व्यू क्लाइंट पे जाना है, क्लाइंट पे क्लिक करेंगे तो नीचे टूल दे रखे हैं इसके अंदर, बैक है तो बैक जाना है तो बैक पे जा सकते हैं, नेक्स्ट जाना है तो हम नेक्स्ट पे करेंगे। अगर नेक्स्ट पे क्रिएट करते हैं तो ये दोबारा से आ गया, ऐड सप्लायर करना है इसके अंदर। अगर मैं ऐड सप्लाई करूँ तो सपोज ये संडे क्राइटर्स में आ गया, सप्लायर नेम आ गया इसके अंदर, कोई बोल दे कर देते हैं इसके अंदर कर देते हैं सप्लायर ही कर देते हैं इसके, सप्लायर अकाउंट उसका एड्रेस लिख देते हैं हम, ये हो गया कनॉट प्लेस इंडिया, सेलेक्ट दिल्ली सिटी न्यू दिल्ली, जीएसटी नंबर इसको चेंज कर देते हैं इसके अंदर 4656/7 कर देते हैं, डेट इसकी हम चेंज कर देते हैं 2026 कर देते हैं अक्टूबर में, 17 अक्टूबर तक की, ये हो गया हमारा। टेलीफोन नंबर जो मर्जी डाल दीजिए, 5678910123 4 हो गया, 5510 हो गया। मोबाइल नंबर छोड़ देते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट मार के मार देते हैं 5678901234। ईमेल एड्रेस supplier@gmail.com, ईमेल दूसरा भी डाल सकते हैं, पैन नंबर जरूरत नहीं हम डाल सकते हैं। अगर कोई इसकी पेमेंट देनी थी सपोज हमें 5,000 रुपीज़, हमारा इसका जो सप्लायर का बैलेंस होता है क्रेडिट होता है, और रिमार्क डाल देते हैं हमारा ये क्लाइंट हो गया एयर का, एयर का क्राइटस हो गया, इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद सेम प्रोसीजर आएगा इसके अंदर, आपका अकाउंट कोड हो गया जो क्लाइंट का था SL CL से था, और जो अकाउंटिंग कोड इसमें खुलता है सप्लायर का वो SL से खुलता है, नेम सप्लायर हो गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आ गया, क्रांट प्लेस आ गया। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा फॉर्म खुल जाएगा, अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं इसके अंदर। तो सेव कर दिया, मुझे कुछ एडिट नहीं करना था इसके अंदर, लिखा हो गया सक्सेस, सप्लायर अपडेट सक्सेसफुली। तो इसे बैक करेंगे, बैक करने के बाद सप्लायर आ गया, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, हमने सप्लायर भी क्रिएट कर दिया। अब उसके आता है कन्फिगर योर बैंक अकाउंट, बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है इसके अंदर, ये सिस्टेक अकाउंटिंग पैकेज है। इसमें अगर हम इंपोर्ट फ्रॉम फाइल भी कर सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर है इसके अंदर। एक फाइल का फॉर्मेट होना चाहिए कि आपके कौन कौन से बैंक अकाउंट है। तो सपोज आपके क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब इस पर शिफ्ट करते हैं किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, तो अगर वी हैव मल्टीपल अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं और उसे हमें डालना है तो उसमें बहुत टाइम लगेगा अगर मैनुअल फीडिंग करेंगे। तो उन्होंने एक टूल दिया हुआ है कि आप एक्सेल फॉर्मेट के अंदर रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसके अंदर डालिए, डाटा मेंटेन कीजिए और सीधा फाइल को चूज़ कीजिए और अपलोड कर दीजिए, और डाटा ऑटोमेटिक अपने आप उसमें अपलोड हो जाएगा। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली डाटा फीड कर रहे हैं, तो हम बैक पे जाते हैं इसके अंदर। बैक पे जाने के बाद हम इस पे प्रेस करेंगे ऐड बैंक, तो इसका ग्रुप क्या आ गया, बैंक अकाउंट आ गया। और भी ऑप्शन है लेकिन हमारा जो बैंक खोल रहे थे, बैंक अकाउंट चूज़ करेंगे, बैंक का नाम मैंने डाल दिया ICICI बैंक, अकाउंट नंबर हो गया इसके अंदर 1234 5 6, IFSC कोड डालने की जरूरत नहीं है, वैसे डाल सकते हैं लेकिन मैं अभी डमी बना रहे थे इसमें कुछ डाला नहीं है मैंने। सेलेक्ट सिटी कर दी, दिल्ली का अकाउंट है मेरा, ये कर चाहिए इसके अंदर, तो मैं डाल देता हूँ ICICI 0201 1234 5 6 11 डिजिट का होता है, कितने का, 1 2 3 4 5 6 7 8
नौ दस ग्यारह, ग्यारह डिजिट का ये होता है, तो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह हो गया, दिल्ली हो गया, सेलेक्ट सिटी न्यू दिल्ली हो गया। ओपनिंग बैलेंस बैंक का हम डाल देते हैं, हमारे पास सपोज 1 करोड़ 10 लाख रुपये पड़ा हुआ है, दस लाख, और ये सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ये हमारा क्या बैलेंस रहेगा बैंक के अंदर, हमारा क्या रहता है डेबिट बैलेंस रहता है, डेबिट मतलब कि हमारे को लेना है, इसे सेव कर देते हैं। ये इनवैलिड अकाउंट नंबर क्या कर रहा है, इसके अंदर लिखते हैं कि ज़्यादा डिजिट होते हैं, 7 8 9 कितने होते हैं इसके अंदर, 9 0 0 2 1 0 1 5 3 0 0 7 9, वो 12 डिजिट का नंबर होता है इसके अंदर, तो 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेव कर लेगा, क्योंकि ICICI बैंक का 12 डिजिट का नंबर होता है, तो ये GL करके खुल गया इसके अंदर, अकाउंट कोड GL में आ गया, जनरल लेजर के अंदर एक नंबर से खुल गया, इसका नाम हो गया ICICI बैंक अकाउंट। सेम प्रोसीजर अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पर खोल के फॉर्म में एडिट कर सकते हैं इसके अंदर, या रिसेट करके दोबारा से कर सकते हैं, सेव कर दिया, ऐसे लिखा है बैंक अपडेट सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हम बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है ये स्टैक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को। इसे सेव कर दिया, इसे बैक पर चलते हैं, बैक पर चल के सेम नज़र खुल गया है, इसे फिनिश करेंगे तो देखते हैं कौन सा नज़र खुलने के लिए कहता है हमें। ये बैंक अकाउंट कॉन्फ़िगर्ड हो गया है इसके अंदर, बैंक अकाउंट के बाद ट्रैवल टोक्यो ब्यूरो का जो मैंने एक डमी अकाउंट खोला है इसके अंदर, ये खुल गया है, ये फ्रॉम मार्च 10 2023 से मार्च 17 2023 की एक स्टेटमेंट दिखा रहा है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो उसमें कैश एंड बैंक इक्विवेलेंस दिखा दिया, हमारा बैंक बैलेंस आ गया 10 लाख रुपए का आ गया, और एक सप्लाई क्रिएट किए थे हमने, ट्रेड रिसीवेबल में 1 लाख रुपए आ गया, ट्रेड पेबल में -5,000 रुपीज़ आ गया। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, ये हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की स्टेटमेंट है कि कितना डेबिट है कितना क्रेडिट है। अभी इसमें करंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं आ रही, इसलिए डेबिट के अंदर 0 आ रहा है, क्रेडिट में कोई 0 आ रहा है। जो हम करंट ईयर के अंदर इसमें कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट होगा, डेबिट का डेबिट में जाएगा इफेक्ट, और क्रेडिट का क्रेडिट के अंदर जाएगा, और उसके अंदर तो इसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस आता रहेगा कि हमारा कैसा क्लोजिंग बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस है तो उसके अंदर हमारे को ये प्लस के अंदर दिखाएगा, पॉजिटिव साइन के अंदर, और अगर हमारा ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसके अंदर माइनस के अंदर दिखाएगा। इट मीन्स अगर माइनस शो कर रहा है तो क्रेडिट बैलेंस है, अगर पॉजिटिव शो कर रहा है तो डेबिट बैलेंस है। ये इसका स्टैक के अंदर ये शो करने का तरीका आ रहा है इसके अंदर, मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर। अगर देखें ओवरऑल सिचुएशन देखें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10,95,000 का डिफरेंस आ रहा है, बैलेंस सी आ रहा है, तो इसका मतलब हमें कहना है कि क्रेडिट बैलेंस भी डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो इसका मतलब हम करते हैं इसके अंदर सप्लायर के इंतजार ना करके इनकम दिखा देते हैं, अपनी इनकम डाल देते हैं कितना, 10,95,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो हम डाल देते हैं अदर इनकम में। तो इसमें चेक करना पड़ेगा इस डिफरेंस, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से डलेगा, ये राइट बैंक अकाउंट में डाला हुआ है इसके अंदर, ये वाउचर डाला हुआ है, वाउचर नहीं डालना है मुझे, इसे बैक कहाँ से जाएगा, बैक का ऑप्शन है कहीं से, ये एक्सेस एस्केप करने से होगा, नहीं एस्केप करने से भी नहीं हो रहा, और यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, सेव एज PDF ईमेल एक्सेल, और अगर मैं वापस जाऊँ इसे वापस करता हूँ तो सेम उसी बेस पे आ गया है। तो मुझे क्रिएट करना था इनकम अकाउंट, अगर मैं ये देखूँ ये क्या आ रहा है इसके अंदर, क्लाइंट मास्टर्स के अंदर गए, जनरल के अंदर गए, जनरल के अंदर क्रिएट किया मैंने इसके अंदर, इसका ग्रुप मैंने ले लिया, इनकम बना था हमारा, डायरेक्ट इनकम में ले लिया, इसका अकाउंट नेम डाल दिया मैंने, इनकम फ्रॉम TVS से डाल दिया मैंने इसके अंदर, स्टेट दिल्ली है, GST नंबर वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट इनकम सेव कर दिया मैंने, यस कर दिया इसके अंदर, व्यू किया इसके अंदर, ये तो GL खुला है हमारा, इनकम अकाउंट खोलना था हमें। चलो इसके अंदर भी देखते हैं इसके अंदर, तो अगर हम वापस जाएं इसके अंदर डैशबोर्ड पे जाएं, तो
ये पेंडिंग इनवॉइस दिखा रहा है, इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर आ रहा है पेंडिंग इनवॉइसेस, क्राई नोट्स, टोटल पेमेंट, टोटल रिसीट्स, टोटल इनवॉइसेस, तो ये सारा इसके अंदर एक समरी देता है डैशबोर्ड के अंदर। एक्टिविटीज़ के अंदर दिखा रहा है कि कौन कौन से इनवॉइस नंबर डिलीट हुई हैं, ये कौन सा डाटा आ गया इसके अंदर, ये सारे डेमो डाटा डाला हुआ है इसके लिए दिखा रहा है इसके अंदर। इसके अंदर और देखते हैं हम क्या क्या ऑप्शन हैं। अगर यहाँ पर देखें मास्टर क्रिएट करने का ऑप्शन है, वेट कर रहा हूँ मैं। मास्टर के अंदर ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये फिक्स है इसके अंदर मास्टर, अभी इन्होंने लॉक कर रखे हैं क्योंकि डेमो वर्जन है। इसलिए अगर हम क्लाइंट पे करते हैं, क्लाइंट में क्रिएटिव व्यू कर सकते हैं, एयरलाइंस के अंदर देखें क्रिएटिव व्यू कर सकते हैं। एयरलाइंस के अंदर अगर आप डालेंगे तो देखेंगे तो इसके अंदर सारे पोर्शन होंगे इसके अंदर कि कौन से ग्रुप में जाएगा, आप ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, सप्लायर कर लीजिए, या इसके अंदर देखें तो सपोज़ एयरलाइंस नाम दे दिया मैंने, 6E दे दिया इंडिगो का, एयरलाइंस का दो लेटर कोड आ गया इसके अंदर, इसमें नाम देता हूँ यहाँ पे इंडिगो, इसका दो लेटर कोड हो गया 6E हो गया, थ्री लेटर कोड जो इसका प्रीफिक्स होता है एयरलाइंस का वो डाल देंगे इसके अंदर, एड्रेस डाल देंगे, इसका स्टेटस डाल दिया, स्टेट डाल देंगे, पैन नंबर वगैरह सारी डिटेल डाल के मैं इसे सेव कर देता हूँ इसके अंदर। क्रिएट इंडिगो यस कर दिया मैंने इसके अंदर। वेल क्रिएट अकाउंट प्लीज ट्राई अगेन, कहीं ना कहीं कुछ कंपलसरी वाला अकाउंट होगा इसके अंदर डालने के लिए जो मैंने डाला नहीं है इसके अंदर। तो चलो इस, लेकिन हमें एक आइडिया हो गया कि किस तरीके से हम एयरलाइंस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे सेव करने पर एरर आ रही है मैंने किया था, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम रीसेट कर लेते हैं और बैक चले जाते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम बैक चले जाते हैं, इसके अंदर फिर देखते हैं हम एयरलाइंस के बाद सप्लायर का आ गया, सप्लायर से भी क्रिएटिव व्यू कर सकते हैं, जनरल अकाउंट भी हम यहाँ से क्रिएटिव व्यू कर सकते हैं और बैंक अकाउंट भी हम यहाँ से क्रिएट और व्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हम इस पर क्लिक करें इसमें आ गया इनवॉइसेस, इनवॉइसेस आपका देखें तो किसकी बनानी है, हमें फ्लाइट की बनानी है, फ्लाइट के अंदर क्रिएट और व्यू करने का ऑप्शन आता है, होटल के अंदर भी क्रिएट और व्यू करने का ऑप्शन आता है, इंश्योरेंस भी क्रिएट और व्यू, वीज़ा की भी बना सकते हैं इंश्योरेंस, GST की भी इनवॉइसेस बना सकते हैं इसके अंदर, ACM भी क्रिएट कर सकते हैं, एंट्री और JB भी डाल सकते हैं। तो ये सारा हमारा आ गया, हमारा डाटा फिटिंग का ऑप्शन आ गया इसके अंदर, ये हमें किसके रिलेटेड क्या डाटा फिट करना है। अगर हम बात करें फ्लाइट की, अगर फ्लाइट के अंदर क्रिएट करते हैं तो एक आपको फॉर्मेट दिखा देते हैं कि फॉर्म किस तरीके का होता है इसके अंदर। इसके अंदर हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, बिलिंग एड्रेस करेंगे, इनवॉइस डेट आ गई आपकी, इनवॉइस टाइप आ गई, इनवॉइस नंबर आ गया, बुकिंग रेफरेंस नंबर आ गया, फिर इसके अंदर CRS ID आ गई, कहाँ से टिकट बुकिंग हो रही है, कौन सा CRS है, ये 1A 1G 1B, रिट्रीव ID आ गई, इनवॉइस टाइप आ गया, PNR, एयरलाइंस नंबर, सब लेजर किस अकाउंट को हिट करना है इसे, फेयर बेसिस आ गया, हमारा डील कोड आ गया इसके अंदर, एम्प्लॉई कौन आ गया इसमें, जैसे सपोज अभी मेरे नाम से आ रहा है इसके अंदर EL, और भी हम इसके अंदर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, जो पर्सन इसके अंदर इनवॉइस बनाएगा उसका रेफरेंस नंबर आ जाएगा, उसे हम टैग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उसके अंदर हम डाटा फीड के अंदर मेंटेन कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पर्सन ने ये इनवॉइस बनाई है, अगर इसके अंदर कोई एरर आता है या कुछ और क्वेरी करनी है इस इनवॉइस से रिलेटेड, तो हम उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करके उससे क्वेरी कर सकते हैं। इधर ट्रैवलर का डेट आ गया, इसमें सेक्टर, एयरलाइंस, PNR, फ्लाइट नंबर, CL, डिपार्चर डेट टाइम, अराइवल डेट टाइम, डिपार्चर, एयरपोर्ट डिपार्चर, मतलब ये काफ़ी सारे हैं, बैगेज, एक्शन, इसके अंदर बेस, YQ YR, K3, OC OT, ये सारे फेयर आ गए, इसमें कमीशन भी आ गया, कितना कमीशन मिल रहा है, कितना GST चार्ज हो रहा है, K3 टैक्सेस कितने हैं, तो काफ़ी सारा कुछ डिटेल दिया हुआ, काफ़ी अच्छा अभी तक बड़ा, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लग रहा है मुझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी डाटा फीड करने में या देखने में, सिंपल प्रोसीजर है इसके अंदर। जैसे मैंने PNR नंबर डाला, ये एंटर करूँगा तो नेक्स्ट पे आ जाएगा, फिर एयरलाइंस मैंने डाल दिया 6E, अभी इसमें मास्टर क्रिएट करने पड़ेंगे, मास्टर क्रिएट नहीं है इसलिए भी दिखाएगा नहीं, क्लाइंट के अंदर मैं डाल दिया कि कौन सा क्लाइंट था हमारा, सब उसका सब लेजर कौन सा है, सब लेजर में तो XYZ लिमिट ही खोला था, अभी डेमो है, अभी कोई डाटा फीड नहीं है, कोई अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ इसलिए, लेकिन हम एक फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि क्या
इनवॉइस का डाटा फिटिंग का फॉर्मेशन क्या आएगा इसके अंदर। तो इसको हम अभी रीसेट कर देते हैं, रीसेट करने से डाटा हो जाएगा सेम फॉर्मेट हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा इसके अंदर। फिर हम करते हैं इसके अंदर फ्लाइट के बाद करते हैं होटल इनवॉइस पे, होटल इनवॉइस क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर सेम वही है दिखा दिखा रहा है, इनवॉइस होटल सेल्स के अंदर, सेल्स होटल क्लाइंट कौन सा है, जनरल लेजर कौन सा हिट करेगा, सप्लायर क्या कौन सा है, डेट इनवॉइस नंबर, इसका सब लेजर टाइप कौन सा है, सब लेजर कौन सा है उसके अंदर, सप्लायर ट्रांजेक्शन नंबर, एम्प्लॉई कौन बना रहा है, रूम कितने हैं इसके अंदर, रूम को डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर, अगर हमें दो रूम चाहिए, थ्री रूम चाहिए, अगर फैमिली जा रही है, ग्रुप जा रहा है, तो उसके अंदर हम नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर रूम नेम क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है, तो जितने पैसेंजर आएंगे सब इसके अंदर आते रहेंगे। टैक्स टाइप के पेमेंट टाइम क्या रहेगा इसके अंदर, कि हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, ये हमारा एजेंट सीसी कैश क्रेडिट अकाउंट खुला हुआ है उसके अंदर, अगर कार्ड से करें तो कार्ड का टाइप क्या रहेगा, अगर मैं और सीसी अकाउंट करूँगा तो कार्ड का टाइप क्या रहेगा इसके अंदर, कि आईसीआईसीआई बैंक या सप्लायर वन जो है, बेसिस क्या रहेगा इसके अंदर, एक्शन दे रखा है इसका नरेशन में आपको मेंशन करना है कि होटल श्रीनगर होटल डिटेल डाल सकते हैं, कि ग्रुप किस डेट का आप मेंशन कर सकते हैं, उसे सेव कर देंगे, अभी सेव होगा नहीं क्योंकि डाटा सारे ट्रांजेक्शन फिल नहीं हुई है इसके अंदर, इसे मैं कैंसिल करता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस का भी सेम वही क्राइटेरिया रहेगा, इसका एक बार फॉर्मेशन देख लेते हैं कि फॉर्म किस तरीके से फिल होता है, ये इनवॉइसेस इनवॉइस इंश्योरेंस सेल्स आ गया इसके अंदर, सेल्स इनवॉइस नंबर, क्लाइंट क्लाइंट नेम, जनरल लेजर कौन सा हो गया, सप्लायर पेबल किसे है, इनवॉइस डेट हो गया, इनवॉइस नंबर हो गया, डेट हो गई, सर्विस डेट, सब लेजर सेम वही ट्रांजेक्शन से ट्रैवलर, इसके अंदर रेफरेंस नंबर आ जाएगा, लीड ट्रैवलर कौन है, पैक्स टाइप क्या है इसके अंदर, उसका कार्ड हो जाएगा इसके अंदर, पैक्स टाइप क्या, पेमेंट टाइप, बेसिस क्या रहेगा, तो सारा कुछ है इसके अंदर। बाकी जो और भी चार्जेस वगैरह डालने हैं, एडिशनल चार्ज है, वो सारा इसके अंदर सेट हो जाता है, जो भी एक ट्रैवल कंपनी के अंदर चाहिए होता है इसके अंदर। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसे कैंसिल करने के बाद नेक्स्ट इनवॉइस का फॉर्मेशन देखते हैं हम, वीज़ा इनवॉइसेस का, अगर वीज़ा इनवॉइस पर जाते हैं तो लिखा हो गया इनवॉइसेस वीज़ा सेल्स, तो सेम फॉर्मेट है। और डाटा फिटिंग जो ट्रैवल अकाउंट से रिलेटेड अकाउंटिंग करता है, उन्हें पता ही है कि कौन कौन से पार्टिकुलर कॉलम किस किस के लिए, किसमें डाटा फिटिंग किस तरीके से करनी है। तो जो एक्सपर्ट है इसका ट्रैवल अकाउंटिंग है, वो तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेशर है या जो नए बंदे सीख रहे हैं, उसके लिए तो फिर एक उनके लिए तो एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अगर वीज़ा की भी देखें, जीएसटी का भी देख लेते हैं किस तरीके से होता है इनवॉइस का फॉर्मेशन, यहाँ पर दिया हुआ है। अगर जीएसटी सेल्स का बनाना है, इसके अंदर क्लाइंट कौन है हमारा, जनरल लेजर किसे हिट करना है, सब लेजर भी कौन सा है, एम्प्लॉई कौन है, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, इसका नॉन अकाउंट आ गया, बेसिक क्या आ गया, टीडीएस कितना हो लगेगा, टीडीएस रेट क्या लगेगा, अमाउंट कितना आएगा, जीएसटी ऑन कौन से, टैक्सेबल अमाउंट कौन सा है, हमारे बेस पे लगाना है या टैक्सेबल अमाउंट है, ये किसके ऊपर सारा फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके अंदर, जीएसटी रेट क्या लगेगा इसके अंदर, वो कैटेगरी कौन सी में आती है, सीजीएसटी में आता है, एसजीएसटी में आता है, आईजीएसटी में आता है, नेट अमाउंट कितना आएगा, तो इस सारा हमारा जीएसटी का इनवॉइस बन जाएगा इसके अंदर। नरेशन भी लिख देंगे कि किस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के रिलेटेड हम जीएसटी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर। सेव की जगह हम कैंसिल कर देते हैं। अभी ये जीएसटी का फॉर्मेशन हो गया इसके अंदर, कि हाउ टू मेक इनवॉइस। और उसकी बात करें हम जीएसटी के बाद, एक एसीएम भी आता है, अगर हम एसीएम की डिटेल भी क्रिएट करनी है, तो इसमें एडीएम भी दे रखा है और एसीएम भी दे रखा है, तो आपको कौन सी एंट्री डालनी है, एडीएम की एंट्री डालनी है, डाटा फिटिंग करनी है, तो एडीएम का भी डाल सकते हैं। टाइम टू टाइम एयरलाइन से एडीएम आते रहते हैं, जो ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, उन्हें पता है कि ट्रैवल इंडस्ट्री से एडीएम आते रहते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर हमारी बुक्स के अंदर जनरली एंट्री नहीं होती, हमें पार्टिकुलर एंट्री डालनी पड़ती है ताकि हम बीएसपी अकाउंट को रिकंसिलेशन कर सकें इसके अंदर। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम एडीएम की एंट्री डाल सकते हैं, जो हमारे को एडीएम आया है, किसी एयरलाइन से आया है, कौन से लेजर को हिट होना चाहिए, कौन सा जनरल को हिट होना चाहिए, सब लेजर कौन सा होगा, क्लाइंट कौन सा होगा, अगर हमें किसी क्लाइंट को डेबिट करना है तो उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यदि हमें किसी पार्टिकुलर कंट्रोल अकाउंट के अंदर उसे डालना है तो हम उस कंट्रोल अकाउंट के अंदर उसे डेबिट कर देंगे, सब लेजर कौन सा रहेगा, एडीएम नंबर आ जाएगा, जो हमें बीएसपी आईटा से स्टेटमेंट में हमारा एडीएम नंबर आ रहा है, मीडियम नंबर डाल देंगे, उसका रेफरेंस नंबर इंटरनेशनल था कि डोमेस्टिक था, टिकट नंबर किस टिकट के अगेंस्ट आया है इसके अंदर, नरेशन यहाँ पर नरेशन में आ जाएगा, उसे सेव कर देंगे।
सेम ऐसी एसीएम के अंदर है, हमारे को कुछ इंसेंटिव या पीएलवी आता है किसी एयरलाइन से या किसी और अदर्स को, हमारे को अमाउंट रिसीव होता है और क्रेडिट मिलता है उसे, तो हम उसके अंदर एसीएम नंबर सेम कोई प्रोसीजर रहेगा, हम कौन से अकाउंट में अपनी अकाउंट को हिट करना चाहते हैं उसके इनकम को, तो उसमें एसीएम को उसमें हिट ले जाएंगे, एसीएम रेफरेंस नंबर डोमेस्टिक टिकट नंबर। ये फिर मैं कहूँगा जो ट्रैवल अकाउंटिंग जानते हैं उनको बड़ा सबको समझ में आ रहा होगा, बट जो न्यू है जो ट्रैवल अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं उन्हें थोड़ा ये अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा इश्यू आएगा, क्योंकि उन्हें पहले ट्रैवल अकाउंटिंग का फंडामेंटल बेसिक को जानना जरूरी होगा। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं ऐसे इन्वेस्ट और वीडियो डाल सकता हूँ ट्रैवल अकाउंटिंग से रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हैं। सेव करने पर एरर आ गई, यस करूँगा एरर आ जाएगा क्योंकि मुझे डाटा फीड नहीं किया है इसके अंदर। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ए सी एम एडीएम का जो ऑप्शन डाला है वो बहुत अच्छा है ये भी। और इसके अंदर अगर जेबी डालें, जनरल वाउचर अगर हम क्रिएट करते हैं इसके अंदर, तो सिंपल है कि जनरल वाउचर में डाला हमने अकाउंट डाला, क्या डाला अकाउंट में, एक्स वाई जेड था, नॉट फाउंड आ रहा है अभी, जनरल की जगह हम क्लाइंट को डाल दें, क्लाइंट के अंदर क्या था एक्स वाई जेड हमने खोला था, अभी उसे लाइव नहीं हुआ है डाटा वाला, तो उसके अंदर सन्डी डाटास भी था उसके अंदर, कौन सा था एम्प्लॉई जनरल, ठीक है अभी हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। देखो ये एक्स वाई जेड ये एयरलाइंस के अंदर चला गया था, इसके अंदर अकाउंट बैलेंस अपने आप आ जाएगा, अगर कुछ होगा तो सब लेजर आ गया, सब लेजर डेबिट करना है, सपोज मैंने इसे 1000 रुपये डेबिट कर दिया, ठीक है ये एंटर किया एंटर किया एंटर किया, नो क्योंकि इसका डेबिट किया था, इसके अंदर एक एंट्री और आएगी इसके अंदर, इसका क्या है मीनिंग है डीएल का, ये डिलीट का ऑप्शन है, इसके अंदर डिलीट हो गया इसके अंदर। तो इस तरीके से हम जनरल भी पास कर सकते हैं, मुझे काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आज तक इस अकाउंट सॉफ्टवेयर को देखा नहीं था, बट मेरे को ट्रैवल इंडस्ट्री का काफ़ी एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है मुझे ट्रैवल अकाउंटिंग का, तो मुझे ए बी सी डी पता है कि इसके अंदर की कौन सा हेड कहाँ पर जाएगा, इसलिए ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एज ए यूज़र फ्रेंडली मुझे सब समझ में आ रहा है कि कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ जा रही है, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर लग रहा है मुझे ये फिलहाल जैसे मुझे देख रहा हूँ। बाकी इसका रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा रहेगा डाटा फिटिंग वाइज, और जो इसकी यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी इजीली लग रहा है मुझे, काफ़ी आराम से डाटा एंट्री पंच कर सकते हैं डाटा, तो इसे हम रीसेट कर दिया इसके अंदर, रीसेट करके हम दोबारा से वापस जाते हैं, तो ये हमने इनवॉइसेस के अंदर सारे फॉर्मेशन देख लिए हैं इसके अंदर। ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है रिफंड्स, ओके जो हमने इन्वॉइसेस बनाए हैं रिफंड्स बनाए हैं इसके अंदर, अगर हम फ्लाइट का देखते हैं तो इसके अंदर ट्रैवल अकाउंटिंग में एक सिंपल सी बात होती है, अगर रिफंड्स बनाते हैं उसके अंदर आप टिकट नंबर या इन्वॉइस नंबर डालोगे तो वो ऑटोमेटिक सारा डाटा पिक कर लेता है, तो उसके अंदर अगर हमें अभी इन्वॉइसेस कुछ है नहीं है तो उसमें अकाउंट वगैरह ऑटोमेटिक आ जाता है उसके अंदर, जो बिलिंग एड्रेस वगैरह, अगर मैं इन्वॉइस नंबर यहाँ पर डालूंगा, इन्वॉइस नंबर डालते रिट्रीव करूँगा तो उस पर्टिकुलर इन्वॉइस का सारा डाटा यहाँ पर रिट्रीव हो जाएगा, उसके अंदर आपको कितना कैंसिलेशन चार्ज लगाना है, कितना आर एफ चार्ज लगाना है, कितना क्लाइंट को वापस करना है, वो सारी आप इसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर आ गया रिट्रीव आई डी, आ गया इन्वॉइस टाइप किया था, एयरलाइंस क्या है, सब लेजर टाइप क्या है, सब लेजर फेयर बेसिस, ये सारा कुछ आ जाएगा इसके अंदर, सेक्टर आ जाएंगे और इसके अंदर सेक्टर एयरलाइंस पी एन आर। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अकाउंटिंग कराना चाहते हैं, कुछ अगर अपना जीएसटी कैलकुलेशन कराना चाहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कराना चाहते हैं, अपने अकाउंट्स का रिकन्सिलेशन कराना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, एक बेहतरीन तरीके से आपको ट्रैवल अकाउंटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि इसमें मेरी एक्सपर्टीज है, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर वी इन्वॉइस करेंगे तो हमारे पास कोई इन्वॉइस थी नहीं इसके अंदर, इसलिए कुछ दिखाई नहीं देगा इसके अंदर, अदरवाइज उस इन्वॉइस की डिटेल दिखाई दे रही होती है इसके अंदर। चलो ये तो हो गया रिफंड फ्लाइट का, सेम ऐसी क्राइटेरिया है इसके अंदर, होटल का रहेगा, होटल के अंदर भी आपका इसमें कोई इन्वॉइस नंबर आ रहा है इसके अंदर, ये सारा डेमो डाटा भी हमने क्रिएट नहीं किया है इसके अंदर, तो इस तरीके से हम किसी का भी रिफंड इजीली बना सकते हैं, जैसे फ्लाइट का बताया है सेम जो हमने पहले बनाया है सबका किसी का भी हम क्रिएट कर सकते हैं, तो काफ़ी सही सॉफ्टवेयर लग रहा है मुझे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बैंकिंग से रिलेटेड आ गया, क्योंकि रुपये बना रखा है ये, देखो इसके अंदर सिंबल भी बहुत अच्छा सा दे रखा है इन्होंने, जो आइकन बनाया है इसके अंदर रुपये रिटर्न यानी रुपये वापस जा रहा है, तो रिफंड का सिंबल बना दिया इन्होंने, और ये इन्वॉइस के क्रिएट करनी है तो इन्होंने एक इन्वॉइस का फॉर्मेट दिया पेपर के अंदर, ये भी काफ़ी बहुत अच्छे से आइकन यूज़ किए गए हैं इसके अंदर। और अगर हम इसकी बात करें
तो इसके अंदर ये मास्टर दिखाया गया कि सिस्टम अकाउंट क्या होने चाहिए हमारे, ये मास्टर की तरह दिखा रखा है, ये डैशबोर्ड दिखा रखा है हमारे को। और ये रुपीज़ दिखा रखा है तो ऐसा लगा है ये घर के अंदर रुपीज़ का आइकॉन बना रखा है, इसका मतलब कि रुपीज़ आपका बैंक के अंदर या कैश आपके पास पड़ा हुआ है, सेफ है आपके पास। तो ये बैंकिंग के अंदर देखें तो इसके अंदर रिसीट आ गई, तो इसके अंदर रिसीट आ गई है हमारी। रिसीट्स के अंदर अगर हम देखें तो इसे अगर क्रिएट करें तो सेम सी बात है, अगर हम रिसीट वाली कैश डाला हमारे पास, कैश अकाउंट खुला होगा, इसके अंदर कैश इन हैंड आ गया हमारे पास, सपोज़ ये कैश आ गया, क्लाइंट किसके क्लाइंट से कैश आया है हमारे पास, सपोज़ हम डाल देते हैं कोई था इसके अंदर क्लाइंट क्रिएट था इसके अंदर नहीं, क्लाइंट का खोल दो ना CL001 कितने डिजिट का है ये, हाँ ये रहा। अभी सब लेजर चेक से आया है, कैश आया है, इसके अंदर डाल सकते हैं चेक डेट अमाउंट, तो एक्शन हो सकता है इसके अंदर। तो ये आराम से नॉर्मल रिसीट का प्रोसीजर है, ये भी काफ़ी सिंपल है, इसे रिसेट कर देते हैं। रिसेट करके मैं वापस दोबारा जाता हूँ, रिसीट के बाद अगर पेमेंट पे जाएं तो पेमेंट के अंदर भी सेम यही ऑप्शन आएगा कि हमें पेमेंट करनी है, कि किसे पेमेंट करनी है, कैश करना है, बैंक करना है, सप्लायर का नाम क्या आ गया, किसे सप्लायर को पेमेंट करनी है, वो सारी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी। इसके अंदर पेमेंट के बाद इसके अंदर और क्या ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर काउंटर एंट्री, काउंटर एंट्री जो हमारी एंट्री है कैश और बैंक के अंदर आपस में होती है, ये यहाँ पे डैशबोर्ड पर लेकर आ गया, आई डोंट नो क्यों आया यहाँ पे। रिकन्सिलेशन, रिकन्सिलेशन क्या होता है, जो हमारे पास दो अकाउंट होते हैं बैंकिंग, ये बैंक रिकन्सिलेशन दिखा रखा है इसके अंदर, तो इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन बैंक रिकन्सिलेशन का ऑप्शन भी दे रखा है, बट अभी इसके अंदर कोई डाटा ही नहीं है इसलिए कोई रिकन्सिलेशन नहीं होगा, यानी इसमें बैंक रिकन्सिलेशन का ऑप्शन भी है, थोड़ा प्रोसीजर होगा, समझना पड़ेगा कौन सी मेथडोलॉजी के थ्रू हम इस बैंक रिकन्सिलेशन को कर सकते हैं। और क्या ऑप्शन है इसके अंदर, बैंकिंग API इसके अंदर कन्फिगर कर सकते हैं, अगर आपको कोई पार्टिकुलर बैंक है और इसमें अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें आप बैंकिंग API भी इनबिल्ट करा सकते हैं। और से नेक्स्ट कॉलम पे जाएं तो इसमें अंदर हो गया एनालिसिस, देखो ये बोर्ड में रखा है एनालिसिस, इसके अंदर एनालिसिस के अंदर आप लेजर देख सकते हो, किसका भी देखना है, किस डेट से किस डेट का देखना है, एंडिंग डेट क्या है, क्रेडिट नोट भी देखनी है, तो ये सारा किसके अंदर डिटेल है, नॉर्मल देखना है, रिपोर्ट नॉर्मल होनी चाहिए, डिटेल्ड होनी चाहिए, सब ग्रुप होनी चाहिए, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। तो इसके अंदर हम जाके देख सकते हैं, क्लाइंट अगर क्लाइंट ग्रुप में अगर मैं डालूँ इसके अंदर, एयरलाइंस में डाल देता हूँ, एयरलाइंस में था, किस में खोला था हमने अकाउंट, मुझे याद भी नहीं है कि हमने कहाँ पर खोला था अकाउंट, चलो अभी नहीं आ रहा है। इसके अंदर सब लेजर सेल्स पर्सन कैटेगरी सब आ जाएगा कि ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस दिखाना है नहीं दिखाना, सिटी कौन सी है, सर्च करते हैं इसके अंदर तो आपके पास लेजर अकाउंट खुल जाएगा। ये मैं आगे बाद में वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि अभी डाटा नहीं है तो डाटा फीड हो जाएगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको। ऐसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट में आ जाएगा कि क्लाइंट से कितनी पेमेंट आ चुकी है और कितना हमारे पास बैलेंस है टिल डेट। और हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे हम इसमें सेलेक्ट कर लिया इसके अंदर रिसीट, रिसीट कितनी थी हमारी, सारा डिटेल आ जाएगा इसके अंदर। आउटस्टैंडिंग के पास डे बुक भी है, TDS रिपोर्ट भी है, GST रिपोर्ट भी है, GST रिपोर्ट भी देख लेते हैं इसके अंदर। ये GST रिपोर्ट का आ रहा है, B2B है, B2C है, CDNR, HSN, Docs, ये सारे ऑप्शन है। GST फॉर इनवॉइसेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा फीचर है इसके अंदर। TDS रिपोर्ट का भी एक बार नज़र मार लेते हैं, TDS रिपोर्ट के अंदर भी अकाउंट नंबर, पैन नंबर, अमाउंट है, TDS अमाउंट क्या आएगा इसके अंदर। और अगर दूसरी सर्च मारें हम, सेल्स रिपोर्ट भी आ जाती है, एयरलाइंस वाइज दे रखा है इसके अंदर, अभी डाटा नहीं है इसलिए हिट नहीं हो पा रहा है इसके अंदर, क्योंकि डमी डाटा है इसके अंदर। अगर सेल्स रिपोर्ट पे हम क्लाइंट वाइज हैं तो क्लाइंट वाइज दिखाएगा, लेकिन अभी हिट नहीं करेगा इसलिए डैशबोर्ड पर लेके आ रहा है, क्योंकि अभी हम डेमो वर्जन यूज़ कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट भी दिखा रहा है इसके अंदर, एयरलाइंस वाइज भी है, क्लाइंट वाइज भी, टिकट वाइज भी, बिल वाइज भी, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। टिकट वाइज के अंदर भी शायद एयरलाइंस का ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि सप्लायर वाइज और क्लाइंट वाइज काफ़ी डेप्थ के अंदर इन्होंने रिपोर्टिंग सिस्टम लग रहा है मुझे, क्योंकि जो एक ट्रैवल अकाउंटिंग इंडस्ट्री के अंदर चाहिए होंगे वो सारी रिपोर्ट्स नज़र आ रही हैं फिलहाल मुझे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली एक्चुअल वर्क करेंगे इसके ऊपर तो हमें डिफाइन हो पाएगा कि किस तरीके से इसमें सिस्टम रहेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर जो बात है, सर्विस चार्ज रिपोर्ट भी आ रही है इसके अंदर, अभी डाटा है नहीं है इसलिए शो नहीं हो पा रहा है। और क्या है इसके अंदर, प्रॉफिट रिपोर्ट तो देख ही लिया हमने, सर्विस चार्ज रिपोर्ट देख ली, रिपोर्ट डिज़ाइनर है, रिपोर्ट डिजाइनर अभी एक्टिव नहीं है इसके अंदर। रिपोर्ट डिजाइनर में आप अपने अकॉर्डिंगली क्या कॉलम आपको चाहिए, कौन से रिपोर्ट के अंदर सप्लायर बेस फेयर किस तरह का चाहिए, उसके अंदर अपने हिसाब से
कस्टम मेड या टेलर मेड बना सकते हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा इसके अंदर, ये दिखा रहा है इसके अंदर, अभी डाटा नहीं है इसलिए यहाँ पे ये अकाउंट आ गया इसके अंदर। और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या दिखा रहा है इसके अंदर, बैलेंस शीट दिखा रहा है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट के बाद आ रहा है आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस भी देख लेते हैं। ये सारा ट्रायल बैलेंस तो हमने पहले देखा था, तो सेम ट्रायल बैलेंस आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अंदर दिखाता है, हाँ ये और डेप्थ दिखाता है, वहीं से पूरे लेजर को भी दिखा रहा है। इसके अंदर काफ़ी अच्छा फीचर है, यानी हमें दोबारा से नहीं जाना, उसके अंदर किसी भी लाइन आइटम को क्लिक करेंगे तो उसकी डेप्थ रिपोर्ट हमें मिल जाएगी इसके अंदर। तो इसे रिवर्स करता हूँ मैं, इसके अंदर रिवर्स करके फिर आ गए। अगर मैं अदर करेंसी लेवल पर जाऊँ तो उसकी भी डिटेल दिखा रहा है, ओपनिंग कितना, डेबिट कितना है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा इसके अंदर, देखो आ गया सब लेजर। अगर हम बात कर रहे थे इसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो इसमें देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ गया। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो इसमें और जितने भी सप्लायर हैं सारे आ गया। यानी बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, जो एक 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 सॉफ्टवेयर से जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो सारे फीचर्स इन्होंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, क्योंकि इन्होंने मार्केट सर्वे किया। जो सिस्टक वालों ने एक मार्केट सर्वे किया, जो ट्रैवल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उससे ओपिनियन ले लेके इसमें इसे और डेवलप करते जा रहे हैं। अभी ये काफ़ी डेवलप हो चुका है, बट ये अभी मार्केट में नए हैं, तो ये ऑन गोइंग इसके अंदर जो भी इन्हें सजेशन आ रहे हैं उनको मॉडिफाई करके उन्हें अपडेट करते जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। लेकिन अगर ओवरऑल अभी देखा जाए, जो अपना एक नया स्टार्टअप बना रहे हैं या ट्रैवल अकाउंटिंग को अपडेट करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर हम जा सकते हैं इसके अंदर। मैं कोई पेड प्रमो ये मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरी एक ओवरऑल, मेरा कोई एसोसिएट नहीं हूँ सिस्टेक से, ये मेरी ओवरऑल एक पॉइंट ऑफ व्यू है एज ए ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मेरा, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा दे रखा है, शानदार तरीके से जो फीचर्स दिए मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे। ये किसी भी सॉफ्टवेयर में, मैं काफ़ी सॉफ्टवेयर में काम किया है मैंने, उसके अंदर जो इन डेप्थ जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है, मैं किसी और सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लूँगा, कि जो बहुत सारे हैं ट्रैवल अकाउंटिंग के अंदर अगर इंडस्ट्री में जानते हैं। तो मुझे थोड़ा सा उसका अपडेट वर्जन लग रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी नया लॉन्च कर रहे हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे जो पुराने ट्रैवल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर थे, तो उन्होंने जो पुराने ट्रैवल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था उनसे भी कुछ सीखा, और जो कस्टमर्स इससे यूटिलाइज कर रहे थे जिनसे कुछ कॉन्स पता लगे उन सॉफ्टवेयर्स के, तो उन्होंने अपने सिस्टम में उन्हें अपडेट करने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छा एफर्ट है सिस्टैक वालों का, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर लग रहा है मुझे फ़िलहाल। लेकिन एज ए अकाउंटिंग प्रोफेशनल जो मुझे चाहिए इसके अंदर, वो सारे फीचर्स आ रहे हैं जो मेरे मन में आते हैं कि मेरे को ये भी चाहिए, ये फीचर्स भी होना चाहिए, वो ऑलरेडी आ रहे हैं मुझे इन डेप्थ इसके अंदर ना। तो अगर मैं देखूँ इसके अंदर ट्रायल बैलेंस हो गया, एजिंग रिपोर्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, एजिंग रिपोर्ट भी है इसके अंदर, देखते हैं अभी खुला है कि नहीं खुला एजिंग रिपोर्ट। अभी डाटा है नहीं इसलिए इसमें आया नहीं है इसके अंदर। तो ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं, जो एक ट्रैवल इंडस्ट्री को जनरली बेसिक तौर पर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। अगर ये देखें इसके अंदर यूटिलिटीज़ है, यूटिलिटीज़ में क्या दे रखा है इसमें देखते हैं। सप्लाई रिकन्सलेशन का टूल दे रखा है, ओके। इसमें आई डोंट नो भी किस तरह से फंक्शनैलिटी होगी इसकी, बट इसमें दे रखा है कि सप्लाई रिकन्सलेशन में कोई आप रिपोर्ट अपडेट कर दें, क्योंकि इनका स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा तभी इसके अंदर ये रिकन्सलेशन हो पाएगा। तो इसमें अपलोड करेंगे तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक पोर्शन लिखा है, इफ़ यू हैव फाइल्स इन अदर फॉर्मेट यू कैन कन्वर्ट टू इन एक्सेप्टेड फाइल फॉर्मेट। यानी उनका कुछ एक फॉर्मेट, अगर उस फॉर्मेट में आप डाटा को कन्वर्ट कर देंगे और उसे इसमें अपलोड करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली रिकन्सिलेशन हो जाएगा। जैसे इसके अंदर सप्लायर दे रखा है, आईटा दे रखा है, आईटा की अपलोड फाइल करेंगे इसके अंदर तो ये अपलोड हो जाएगा इसके अंदर, तो ऑटोमेटिक आपकी रिकन्सिलेशन हो जाएगी। ये भी बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो मेन फीचर्स होता है जो आईटा रिपोर्ट होती है वो ट्रैवल अकाउंटिंग की बैकबोन होती है। अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आईटा स्टेटमेंट अच्छे से रिकन्सिलेशन है, अच्छे से रिकन्सिलेशन हो रहा है उसका, उसमें कोई भी डिफरेंस पता लग रहा है उसके अंदर, तो ये बहुत ही शानदार फीचर्स दिया गया है इसके अंदर। तो सही लग रहा है सॉफ्टवेयर मुझे इसके अंदर। सप्लायर रिकन्सिलेशन हो गया, अगर व्यू करें इसके अंदर तो व्यू में अभी कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि डाटा अभी है नहीं इसके अंदर। उसके बाद देखें बल्क ईमेल, ओके, ये बल्क ईमेल का भी बहुत अच्छा सिस्टम दिया है। सपोज़ अगर हमारे पास, अगर आजकल के टाइम में ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट हैं, OTA हैं, या उन्हें तो खैर लॉगिन मिल जाता है, बट अगर हम ऑफलाइन एजेंसीज की बात करें जिसके अंदर B2B बिजनेस बहुत ज़्यादा है, उनके बहुत सारे B2B बिजनेस होते हैं, अगर हमने उनके मास्टर के अंदर उनका ईमेल एड्रेस कन्फिगर किया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर अगर आप मंथली वीकली अगर कोई भी रिपोर्ट उन्हें भेजना चाहते हैं तो
तो उसमें खाली डेट डालेंगे, क्रेडिट नोट भेजना है या आपको कोई भी पेमेंट रिसीट भेजनी है आपको, तो आप उसमें एक ग्रुप नेम डालेंगे, उसके अंदर क्लाइंट सेलेक्ट करेंगे, सबको सेलेक्ट करना है या एक को करना है, ये आप सारे अगर सबको भेजना है तो आप सबको सेलेक्ट कर लेंगे, अगर किसी स्पेसिफिक क्लाइंट को भेजना है, यहाँ पे एक ही क्रिएट किया था हमने इसलिए एक ही आ रहा है, तो हम एक को ही भेजेंगे अगर बढ़ना है। अदरवाइज यहाँ पे अगर 20 ऑप्शन आते हैं, 20 ऑप्शन के अंदर हम किसी को भी क्लिक करके अगर 5 को भेजना है तो हम टिक मार्क करके हम 5 को भी भेज सकते हैं, तो अगर सबको भेजना है सबको भेज सकते हैं। तो ये भी बहुत शानदार फीचर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर बनाया है जिसने भी बनाया। अगर हम उसके बाद देखें क्या ऑप्शन आता है, बिल्कुल ये मिल गया, एक्सपोर्ट हो गई, एक्सपोर्ट के अंदर अभी आ नहीं रहा है, रिपोर्ट एक्सपोर्ट का ही होगा इसके अंदर, या डाटा एक्सपोर्ट का होगा। और कमीशन अपडेट देखें इसके अंदर, तो इसमें दिखा है कमीशन अपडेट, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, रिसीव। अगर कमीशन की इनवॉइस बनाए तो इसके अंदर कमीशन इनवॉइस भी बना सकते हैं हम, कि आईटा से कितना कमीशन है, पीएलबी कितनी है, कैशबैक कितना है। तो ये भी बड़ा शानदार फीचर्स बनाया है इन्होंने इसके अंदर, कि इनवॉइस बना रहे हो या क्रेडिट नोट बना रहे हो, कितना कमीशन का इनवॉइस बना रहे हैं, कि कमीशन हमें रिसीव हुई है या हमने कमीशन पे की है, एयरलाइंस कौन सी है, क्लाइंट कौन सा है। बहुत ही शानदार कि आईटा कितना वैल्यू कितना, ये आपका वाईक्यू पे, आरक्यू पे, बेसिक पे है, ये सारा बहुत ही शानदार फीचर दिया। लेकिन उन्होंने एक एक बारीकी का ध्यान रखा गया है इसके अंदर, अगर मिसिंग ट्रांजेक्शन हैं या मिसिंग ट्रांजेक्शन भी आ जाएंगी अगर कुछ इसके अंदर एरर आता है, रीज़न होता है। अब बात करें हम सेटिंग की, सेटिंग के अंदर अभी कुछ नहीं आ रहा, तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा ये सॉफ्टवेयर मैंने कवर अप कर लिया है इसके अंदर सिस्टैक का। तो अगर मैं इसे आउट ऑफ 10 मार्क्स देना चाहूँ तो इसे मैं 8 or 9 मार्क्स दे सकता हूँ इजीली, पर थोड़ा सा और इन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो उसमें और अपडेट करेंगे तो हो जाएगा उसके अंदर। वो कौन कौन से रीज़न है मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन आप ओवरऑल देखा जाए तो स्टार्टअप और न्यू एजेंसी के लिए और जो मिड सेगमेंट की ट्रैवल अकाउंटिंग इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, उनके लिए अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है। उसके प्राइस भी रिजनेबल है, जो मैंने कोटेशन ली है उसका प्राइस भी रिजनेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि सॉफ्टवेयर को आप API के थ्रू भी ऑटो लिंक करा सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर थम्स अप टू सिस्टेक्स सॉफ्टवेयर वाली टीम को, काफ़ी शानदार बनाया है इसके अंदर। बाकी मैं इसे अब इसे प्रैक्टिकली यूज़ करूँगा, इसमें डाटा एंट्री करके चेक करूँगा कि किस तरीके का डाटा इसमें फ्लो हो रहा है, अगर कहीं पर किसी रिपोर्ट में एरर आ रही है तो मैं डेफिनेटली इनसे कंसल्ट करके इन्हें सजेशन ज़रूर दूंगा मैं। तो आई थिंक आपको ये जो ट्रैवल अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं या ट्रैवल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाह रहे थे, उन्हें एक परफेक्ट ओवरव्यू मिल गया होगा। अभी थोड़ा सा उसमें कुछ कमियां हैं, अभी मैं डेप्थ में नहीं गया, लेकिन ओवरव्यू जो चाहिए होता है ट्रैवल इंडस्ट्री का, कैसे अकाउंटिंग होती है, एक ओवरव्यू सॉफ्टवेयर का आपको मिल चुका है। लेकिन अकाउंटिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में आप डाल सकते हैं कि आप ट्रैवल अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं हूँ आपका दोस्त ब्रह्म प्रकाश राठौर, मुझे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है ट्रैवल अकाउंटिंग का। किसी भी कॉर्पोरेट्स को, किसी भी ट्रैवल एजेंट को अगर कोई भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, चाहे वो रिलेटेड टू इन्वॉइसिंग रिकन्सिलेशंस या एयरलाइंस रिकन्सिलेशन, क्लाइंट रिकन्सिलेशंस, किसी भी तरह का प्रॉब्लम देख रहे हैं, GST कैलकुलेशंस, लाइबिलिटी निकालना उसकी, या किसी भी तरह का कोई भी सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, इस लिंक के ऊपर आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।